Hello students welcome to EduTap I'm Tanashree so since phase 1 of our exam is over most of you have started preparing for phase 2 so in today's video we are going to discuss about the pattern and the syllabus of a uh, phase 2 preparation so that you can familiarize yourself with the pattern and you can prepare accordingly right so without wasting any time let's get started so students first of all if we look at the pattern if we look at the structure of the paper right so in the uh, mains examination there are going to be two papers right so for the generalist po uh, posts there are uh, there is going to be a paper of general english and there is going to be a paper of esi and ard right so uh, for all the positions whether generalist or whether specialist this paper one it is similar for all the positions and as far as paper two is concerned for the specialized positions right this is going to be a subject specific uh, paper, and as far as the generalist positions are concerned, it is going to be of ESI and ARD, right?

there are going to be three questions worth 100 marks and for these three questions you will be given 90 minutes right so that is about the general english paper right so i think you are uh, clear with everything as far as paper one is concerned now let us discuss about the second paper which is esi and ard paper so students as far as esi and ard is concerned on the paper it is going to be in two formats there are uh, like total marks is 100 right so paper 2 it is going to be of 100 marks and out of these 100 marks 50 marks worth of paper will be objective and 50 marks worth of paper will be descriptive right now in this objective type there are going to be uh, 30 questions worth 50 marks now how these marks will be allocated let me tell that to you so students uh, like there are going to be 30 uh, questions so 20 questions worth 2 marks will be there that is total of 40 थर्टी क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन टू मार्क्स के होंगे कुछ क्वेश्चन के होंगे और टोटल हमारे फिफ्टी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा ठीक है और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम यहां दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट वही होगा जो फेस वन में था ठीक है एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा और आपको आंसर स्टिक करने हैं हैं उसके उसके बाद नेक्स्ट जो 50 मार्क्स लिए हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ठीक है डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो हमारा पैटर्न है वो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कुछ कन्फ्यूजन uh, होती है सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे टोटल सिक्स क्वेश्चन होंगे ठीक है और इन सिक्स क्वेश्चन में से थ्री क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ई एस आई एंड थ्री क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एआरडी ठीक है थ्री क्वेश्चन ई एस आई से और थ्री क्वेश्चन ए आर डी से होंगे ठीक है नौ स्टूडेंट्स वन क्वेश्चन फ्रॉम ई एस आई एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम ए आर डी दीज आर कंपल्सरी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि ये कंपल्सरी है और ये आपको फॉर श्योर अटेप नहीं होगी इन बोथ दर डी ठीक है सो सिक्स में से टू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जा चुके हैं ठीक है अब ई एस आई में भी हमारे पास टू क्वेश्चन बचते हैं और ए आर डी में भी हमारे पास टू क्वेश्चन बचते हैं इन टू क्वेश्चन में से आप

उसके बाद में आता है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यहां पर सो स्टूडेंट्स इन फोर क्वेश्चंस में से देर आर गोइंग टू बी टू क्वेश्चंस वर्थ 15 मार्क्स ठीक है तो ये हो गए हमारे 30 मार्क्स और टू क्वेश्चंस विल बी वर्थ 10 मार्क्स मार्क्स तो ये हो गए 20 ठीक है सो फोर क्वेश्चन विल बी ऑफ वर्थ फिफ्टी मार्क्स ठीक है सो आई होप कि क्वेश्चन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एज फार एज पेपर टू इज कंसर्न ये सारी चीज आपको यहां

चलिये. अच्छा एक बात और है 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 जो 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 मैं यहाँ पे आपको करना कि और उन वो किस में uh, में होंगे कितने days में होंगे कितने so, अभी तक का जो trend रहा है, उसमें हमारे दोनों ही papers, same day पर होते हैं पहले पेपर वन होता है कुछ टाइम पीरियड के ब्रेक होता है और उसके बाद पेपर टू होता है ठीक है सो बेसिकली सेम डे पे ही होता है अब तक का यही ट्रेंड है अगर इस ट्रेंड में कुछ चेंज होगा तो वो हमें पता चल जाएगा ठीक है जब एडमिट कार्ड आएंगे तब आ, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी अब हम चलते हैं आ...

अब आता है हमारा सिलेबस तो अगर मैं बात करूं पेपर वन जनरल इंग्लिश के सिलेबस की तो वहां पर ये सिलेबस uh, नोटिफिकेशन में ही गिवन है आपके पास एस होगा प्रेसी राइटिंग होगा कॉम्प्रीहेंशन होगा और बिजनेस एंड ऑफिस कोरेस्पोंडेंस होगा बिजनेस एंड ऑफिस कोरेस्पोंडेंस का मतलब बेसिकली होता है लेटर राइट सो दैट इज द सिलेबस एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न ये चार टॉपिक्स हैं कभी-कभी रिपोर्ट्स -कभी भी आ जाती हैं ऑप्शन में तो ये चार टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे जो तीन क्वेश्चंस हैं वो निकल कर आते हैं मेजरली ठीक है

एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट में भी वही सारे टॉपिक्स हैं जो है इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू आस्क मी यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई एल बी मोर देन हैपी टू आंसर एंड स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट दी डी डॉफ दिस channel you can uh, of this video you can join our YouTube of join our telegram channel sorry and take him so uh, on this note I take a leave from you all the very best for your phase 2 preparation take care of yourself students